तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। जो जो लोग ना मुझे पहले से फॉलो करते हैं ना, उन सारे लोग को पता होगा कि हमने रामेश्वरम के व्लॉग्स बनाई हुई है, और रामेश्वरम के व्लॉग्स खत्म होते हैं ना, वहाँ पे ना स्टॉप कर दिया गया था वीडियो, लेकिन वहाँ से ना हम फिर कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि हमने ना रामेश्वरम के बाद ही मरीन बीच को कवर किया है, बट उसकी वीडियोस आई नहीं थी भाई, आई नहीं थी तो कैसे चलेगी, आएगी जरूर आएगी। तो यार आपको मरीन बीच के वीडियोस ना यूट्यूब में काफी ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन भाई ये वाला वीडियो ना अपना पहली बार देखा होगा, ये मैं डेफिनेटली श्योर करके बता सकता हूँ, क्योंकि ये हम लोग का पहला एक्सपीरियंस तो है ही, साथ ही साथ ना भाई ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस होता है ना मरीन बीच को लेके कि हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे भाई बीच में जाने के लिए, समुन्द्र में नहाने के लिए ऐसा भी करना पड़ता है। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, वीडियो को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। अरे राय, वीडियो स्टार्ट होते ही ना एक पोपट हो जाता है। यहाँ पे नानी जी ना एलिवेटर चढ़ने से ना बस मना ही कर देते हैं भाई, बहुत ज्यादा डर जाती है, जैसे तैसे मना के हम लोग चढ़ा देते हैं, लेकिन उनका डर देखो यार, इनको आंखों में दिख रहा है। और भाई उतरते टाइम ना हम लोग एकदम बताते हैं कि भाई कैसे उतरना है, लेकिन उनका डर ना एकदम कंटिन्यू रहता है। आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है जहाँ पे उन्हें उतरना होता है, और वो इतना रिलीफ करती है और इतना हंसती है ना कि भाई लाइफ का सबसे डेंजर मोमेंट था उनके लिए पहला एक्सपीरियंस। तो गाइस अभी जो है हम चेन्नई में हैं, और चेन्नई के इग्मो स्टेशन में, और यहाँ से हम लोग मरीन बीच के लिए निकलने वाले हैं, और पूरा फैमिली के एक साथ निकलने वाले हैं, और ये पहला टाइम है जो हम लोग चेन्नई के भी बीच कवर करने वाले हैं। तो चलिए चेन्नई के बीच पे चलते हैं, और ये जो ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पर जो है इस प्लेटफॉर्म में हमारी ट्रेन आने वाली है। तो गाइस हमारी जो बीच वाली ट्रेन आ चुकी है, गाइस हम लोग देखिए बीच रेडी है, यहाँ पर शूज़ पहन लिया है और हाफ पैंट, और अभी सुबह सुबह बजा, अभी 7 भी नहीं बजा है गाइस, तो अभी इस तरह का माहौल है। तो गाइस अभी हम लोग जो है इस स्टेशन में, और वो लोग उस स्टेशन में, हम इधर से उतरेंगे, वो लोग उधर से उठेगा। तो गाइस ये है अंडरग्राउंड स्टेशन, और यहाँ पे लिखा हुआ एग्जिट टू मरीन बीच, और हम इस तरफ से जा रहे हैं, और बीच हमारे इसी साइड पे है। तो गाइस हम लोग इस तरफ से आ चुके हैं, और थोड़ी देर में हम लोग बीच पहुंचने वाले हैं, मरीना बीच। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस ये जो है स्टेशन, और इस रूट से आते ही इधर टर्न होते ही एकदम स्ट्रेट में आपको बीच रूट मिल जाएगी। लॉकर चाहिए ये सारे बैग्स वैग्स रखने के लिए, हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर लॉकर है कि नहीं, एक बार ट्राई मारते हैं वहाँ पे इधर उधर झाँक के, उसके बाद तो हम अभी रोड को क्रॉस कर रहे हैं। सो गाइस ये है मरीना बीच। सो गाइस देखिए कितना बड़ा यहाँ पे आ गया, और यहाँ का जो लोकेशन है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। हम लोग कोलकाता से तो इतना बेहतर लोकेशन कभी दिखता नहीं, ये लग रहा है कि हम लोग कहीं बाहर देश में आ चुके हैं। वाह लर्निंग रहा, तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे, बड़ा बड़ा तेत ना जानता 30 ख्याल मेरी। तो अभी दिक्कत जो है, हमारे पास बहुत सारे लगेज वगैरह है, ये यहाँ पे रखने का भी कोई जगह है नहीं, यहाँ पे लगेज के काउंटर्स अवेलेबल है नहीं, क्योंकि ये जो पब्लिक प्लेस है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फूड स्टॉल वगैरह रहते हैं, और कुछ नहीं गाइस, तो कुछ इस तरह से ले जाना पड़ेगा। तो और कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ लोग हम लोग बहुत कम लोग ही जो है नहाएंगे, तो बाकी सब लोग जो रहेगा वो लोग जो सामान वगैरह के देखभाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सिटी है ना गाइस बहुत ही फैंटास्टिक है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा, लाइक इतना बड़ा जो रेत का डेस्टिनेशन मैं जो अभी तक नहीं देखा, लाइक मैं लास्ट टाइम पूरी भी गया था वो थोड़ा सा कम ही था इससे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पे जो प्लेन कर रहे हैं देखिए रोड को, हाँ हलो बट रोड ये दीदी बाहुबली बाहुबली। तो यार यहाँ पे जो है ना दिक्कत हो रहा है ये उठा के लेके जाने में, हम लोग डायरेक्ट रोडवे से जाएंगे तो अच्छा होगा। अरे अगल अगल पड़ता हाँ अंदर अक्टोबर पाट्रखंड रेगिस्तान लगा खुली लगा ना ये लोग सब लोग।
देखते देखते ना ये सफर ना हमारे लिए ना बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगता है। ना देश में लगता है दलसा सिटी की स्टाइलिश देश मोड। थोड़ा यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट स्विमिंग पूल में नहाना है, अगर समुद्र में नहीं नहाना चाहते हो तो यहाँ पे स्विमिंग पूल में नहाना। हम लोग चेन्नई के रोड पे सिटी की सड़कों पे चल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है भाई। तो यार घूम फिर के ना हम चप्पाक रेलवे स्टेशन के पास आते हैं, जो कि हमें बहुत पहले ही करना था। तो ये गूगल माता की कृपा है जो कि हम इससे पहले स्टेशन में उतरे और यही हमारा रॉन्ग डिसीजन था। तो गाइस अभी हम फिर से चप्पाक आ गए यार। आप देखिएगा इस कितना मेहनत कर रहा है बच्चा और हम लोग कितना खुले जा रहे हैं। देखिए मेहनती बच्चा, इसका नाम है किरण। अभी सूरज आया नहीं है तब भी किरण आ गया है, सूरज के किरण ना का बैग। ओहो रखो यार, तो हम भी मेहनत कर रहे हैं ये वाला बैग लेके। गाइस चक्का वाला बैग ना जितना इजी लगता है वहाँ पे हेड है इकड़ का था भाई, और भी ज़्यादा दूर जाना है। देखिए और यार कितना दूर यार, कितने रेत में चलते चलते लग रहा है रेगिस्तान में चल रहा हूँ, दिमाग ख़राब हो रहा है। यार ये पैर देखिए। तो गाइस ये नाना नानी जो है जो चल रहे हैं ना भाई, मतलब बहुत बहुत कष्ट करके चल रहे हैं ये लोग। हाँ मामा अपने मुसले पीना वा अजय। तो यार यहाँ पे नानी पूछ रही थी कि समुंदर किधर, समुद्र किधर हंस गया। देखिए मम्मी अकेले अकेले चल रही है और मम्मी की मम्मी मम्मी के पापा दूर पोला। मेरा भाई का ना एक अलग ही टेंशन रहता है भाई, क्योंकि उसको ना अभी तक समुंदर में नहाने को नहीं मिली। यहाँ पे ना रेलवे स्टेशन पे इतने ज्यादा खर्च कर दिया गया। देखिए ये कितना बड़ा सा रेलवे स्टेशन। तो नाना नानी के लिए ना हम लोग मस्त टिफिन करा देते हैं, क्योंकि गाइस वो लोग ना बहुत ही ज्यादा थक गए होते। छोड़ रहा बैठ देश में वीडियो ले छोड़ो सो गाइस पूरा आउट ऑफ कंट्री लग रहा है ये लुक जो है, भारी भरकम लुक लग रहा है। लग रहा है मैं लंदन के आ गया हूँ यहाँ पे। सो पुलिस पूरा गाड़ी गाइस। अभी सब लोग यहाँ पे ब्रशिंग चल रहा है सबका। तो नाना नानी का जो टिफ़िन हो चुका है बट हम लोग का हुआ नहीं है, और पीछे हम लोग का टिफ़िन शॉप है। यहाँ पे 30 रुपीज़ का प्लेट मिल रहा है 4 इडली, और बगल वाले में 60 रुपीज़ का इडली मिल रहा है। वहाँ पर इडली का स्कैम चल रहा है सच में। और ये जो है जयललिता जी का समाधि है, उसके बगल में ही आपको यहाँ पे इडली शॉप मिलेगा। अगर आप यहाँ पे आते हो तो इधर ख़रीदना, क्योंकि यहाँ पे जो है 30 रुपीज़ इडली का प्लेट वगैरह है, वहाँ पे 60 रुपीज़ यानी कि डबल, और बकवास है एकदम। और घटिया तरीके से मतलब ये भी हो रहा है चिल्ला चिल्ली बकवास। अभी जो है टाइम आ चुका है टूट पड़ने का टिफिन के ऊपर। हम लोग खा रहे हैं पूरी और इडली, सो लेट्स ईट और फिनिश। अभी जो हमने मस्त टिफिन कर लिया है और हम अभी तक यहीं पे, अभी तक हम लोग बीच में नहीं गए, क्योंकि हम लोग के मौसा जी आ रहे हैं और वो लोग सब मिलके नहाएंगे समुद्र में। तो तब तक यहाँ पे थोड़ा राउंड मारते चक्कर मारते हैं, उसके बाद जाएंगे। मस्त लग रहा है यहाँ पे। यहाँ का ना गाइस यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ मतलब क्या बोलते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बहुत कुछ यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे घूम फिर के अगर गोल गोल भी दिखाऊँ ना तो कुछ सब कुछ वैरायटी दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए कौवे भी यहाँ पे आके पानी पी रहे हैं। तो गाइस हम जो है सुबह से यहाँ पे चेन्नई की सड़कों में घूम रहे हैं और घूम ही रहे हैं गाइस। मतलब यहाँ के हरियाली और ये रोड्स वगैरह देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम घूम ही रहे, बस घूम ही रहे और वॉकिंग अभी जस्ट टिफिन किया। तो देखिए गाइस यहाँ पे एक लाल किला बना दिया गया है। देखिए ये स्टेशन है शायद, कितना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। ये क्या है पता नहीं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ पब्लिक वर्क रोड। तो ये PWD रोड के डिपार्टमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट के, उसका देखिए कितना बड़ा ऑफिस है यार। मज़ा आ रहा है देख के, इतना बड़ा बड़ा। गाइस जिनका इंतज़ार था वो आ रहे हैं, वो किधर है किधर है, आ गए गाइस मेरे मौसा जी। हाय, सो फाइनली ये भी हमारे ट्रिप में ज्वाइन हो गए। बोलो ना अंदर क्यों ड्रामा
ओ प्रेमा प्रेमा प्यार देखिएगा इस प्यार ऊपर में ये ऐसे। तो यार फाइनली हमने डिसाइड करी ली सामान ले जाने का ना एक मस्त कंपटीशन हो जाए और मैं मस्त दौड़ता हूँ और बाद में थक जाता हूँ वहाँ पे रुक जाता हूँ। तो अगली बारी जो है कीर्तन की। ओ परगड़ते ना वो तो दिल सा कीर्तन अपना बैग लेके ऐसा दौड़ता है ना भाई भाग मिल कभी फेल हो गया है वहां से दौड़ते 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 ना भाई मैं वीडियो कैमरा ना जूम करके लेता हूँ और बाद में दिखता है कि वो बैग फेंक लेता है। गिरा दिया यार। जय ललिता जी का समाधि की बारी है अब ये उठा के भागेगा। चलो स्पीड दौड़ो 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 एक्शन कैमरा క్రాస్ లైన్ అయిపోయిందర్ తక్కువ పరిగెట్టాడు గైస్ ఏ హే స్మార్ట్ డిసిజన్ సబ్ దౌడ్ రహే థే ఏ బోలా మే ఐసే హీ జాఊంగా లగ్ రహా హమ్ లోగ్ రడార్ మే జా రహే మతలబ్ లగ్ రహా కి హమ్ లోగ్ రేగిస్తాన్ మే ఉతరే హే రాజస్థాన్ వహాన్ సే జా హీ రహే कितना दिक्कत हो रहा है यार मतलब मेहनत लग रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है यार ये समझ में नहीं आ रहा है इतना ज़्यादा बालू क्यों है इधर अभी तक इतना ज़्यादा बालू वाला कभी समुंदर नहीं देखा बहुत ज़्यादा बालू तो ये दूर दूर तक बालू सिर्फ ऐसा कभी होता है क्या ऐसे देखिए अभी पसीना आ रहा है नहाना भी जाना है। गाइस हमें जो बीच है दिख चुकी है और यहाँ से बीच की शोर भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो इतना सारा मेहनत करने के बाद हमें अपनी मंजिल मिल ही जाती है फाइनली मरीना बीच। यहाँ पे लहरें देखिए गाइस कितनी बड़े बड़े लहरें आ रही है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा बड़ा लहरें आएंगे। मैंने सोचा छोटा आएगा तो मैं अंदर तक चल जाऊँगा बट अभी जाना पॉसिबल नहीं है और यहाँ पे प्लेन जा रहा है। तो अपने सारे सामान जो है हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं। अंता ऑक्टेन है तो ये सारा व्यू मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद आफ्टर नहाने के बाद। तो समुंदर के पास आने के बाद ना यार किसी से ना रुका नहीं जाता और सभी लोग समुंदर में उतर जाते हैं और काफ़ी 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 ज़्यादा मस्त इंजॉय करते हैं। और यार हम ना यहाँ पे इंजॉय करते करते ना टाइम भूल ही जाते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं मतलब मेहनत का ना पूरा मज़ा उठा लेते हैं। और यार क्यों ना उठाए इतना मेहनत करके जो आए हैं। कूद जामा कूदो बाबी ये अंडा का रेडी सीडम लेते गेंद बाबिया। सो गाइस अभी जो है हम मरीना बीच में है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत ही ज़्यादा यार ये वाले बाप रे बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं मोबाइल को अंदर नहीं ले जा पा रहा हूँ। लास्ट टाइम जैसे कि दिखा में लेके गया था बहुत ही ज़्यादा बाढ़ हो रही है तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि जितना ज़्यादा ज़्यादा यहाँ तक हूँ मैं बस तो अंदर ले जाना पॉसिबल नहीं है तो बस ऐसे ही मस्त देखते रहिए बैक कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ बस फिर नहीं करो। पानिया बीच में मजा आता होगा वीडियो देख बेग आप बिलोन के लो। और भाई यहाँ पे ना हमें माजा की बॉटल मिलती है और हम समुंदर के अंदर जाके ना भाई मस्त माजा पीते हैं। और यार ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मतलब समुंदर में माजा मज़ा ही मज़ा। बीच में मज़ा ताज़ा ताज़ा पड़ी का
देखते हम लोग यहाँ पे कैसे बीच में बैठ के मजा पी रहे हैं, समुंदर के बीच में मजा। अरे प्लास्टिक जालकंडी, अरे ये डेढ़ पे ना प्लास्टिक जालकंडी, बॉटल एकदम लोन के अलग पता। वीडियो देखने के बाद काफी लोग ये ट्राई करने वाले हैं समुंदर में जाके, तो मैं सबको वार्न कर रहा हूँ कि यार ऐसे मत करो, और अगर कर रहे हो तो प्लीज़ प्लास्टिक की बोतल समुंदर में ना फेंको, क्योंकि इससे समुंदर की प्राणियों को बहुत हानि पहुंचती है। जाल को आधे लीस आकर उन्चिस रहे लो। लेकिन यार इंतजार और मेहनत का फल ना काफ़ी मज़ेदार होता है, काफ़ी मस्ती करते हैं हम समुंदर में, लेकिन समुंदर में नहाते नहाते ना ये चीज़ भूल ही जाते हैं कि हमें वापस भी जाना है सेम रेत को पार करके। सोगाइस अभी जो है हमने एक ऐप लिया दादाजी के लिए। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा है यार, ये रेत में ये अपना लगेज उठा के लेके जाने बहुत मतलब आज थोड़ी दूर बची है हम लोग, आई थिंक आधे घंटे से इसको लेके ही जा रहे हैं यार सूटकेस को, ये रेत है ना चला नहीं जा रहा इससे, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और हमारा फाइनल डेस्टिनेशन आ चुका है भाई, आधा घंटा से चल रहा है लिटरली भाई, आ गए चला नहीं जा सकता गाइस, हो गया खत्म। तो यहाँ पे ना फिर से ना एक बार प्रॉपर्ट हो जाता है कि गाइस हम जैसे ही ये रेत को पार करके बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारे नाना नानी वहाँ पे नहीं है जहाँ पे हमने उन्हें रुकने के लिए बोला था, और हमारे मन में ना एक ही सवाल आता है कि नाना नानी खो गए, मतलब ऑलमोस्ट खो ही गए। लोग मिलके ना इधर उधर 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 छान मारते हैं, लेकिन नया शहर था, हमें दूर दूर तक कहीं नहीं मिले, और इस टेंशन में ना मैं व्लॉग भूल जाता हूँ और उन्हें ढूंढने में लग जाता हूँ। शहर नया था, भगवान नहीं, इसीलिए ना हम भगवान को प्रे करते हैं, और प्रे करने के कुछ देर बाद वो हमें मिल जाते हैं। और ये कोई क्लिक बेट स्टोरी नहीं है जो मैं आपको सुना रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, उस टाइम जो फील हो रहा था ना वो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद ना हम उन्हें ना टोपी गिफ्ट देते हैं, और यार मन में गुस्सा भी रहता है और टोपी लेने का प्यार भी, वो दोनों एक साथ ना मिक्स होके क्या फीलिंग निकल रही समझ में नहीं आ रही। तो उनसे मिलने के बाद उनका गुम होने का वजह पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि वो जिस जगह में बैठे हुए थे ना तो पुलिस उन्हें भगाती है और वो दर बदर भटकते रहते हैं, इसीलिए हमारे आंखों से दूर चल जाते हैं। तो इतना सारा धूप और इतना सारा टेंशन झेलने के बाद ना हम आ जाते हैं यहाँ पे मस्त कुल्फी खाने, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। आज ना हम लोग कुछ अजीब करने वाले हैं, यानी कि हम हमारे एक फैमिली मेम्बर जो है वो चेन्नई में रहते हैं, और उनको ये पता नहीं कि हम चेन्नई आए हैं, और हम उन्हें सडन सरप्राइज देने वाले हैं ढाका। अरे कैसा होगा उनका रिएक्शन, मतलब कैसे देने वाला है तुम्हें। और यहाँ पर चेन्नई में ना लाइक मेट्रो स्टेशन जैसे होते हैं वैसे यहाँ पर लोकल ट्रेन है, ये मेट्रो नहीं है लेकिन लोकल ट्रेन है, बट वो अब मतलब ऊपर चढ़ती है। तो ये गाइस काफ़ी बड़ा है यहाँ का, इतना एरिया में तो कोई भीड़ ही नहीं होता यहाँ पे, इतना खाली खाली है, क्योंकि कितने अंदर तक है गाइस। स्टेशन्स में भी यहाँ पे लिफ्ट वगैरह लगे हुए हैं। देखिए गाइस ये है लोकल स्टेशन, इतना बड़ा लोकल स्टेशन तो हमारे कोलकाता में। तो हम बोरिया बिस्तर लेके ना निकल जाते हैं अपने चेन्नई वाली फैमिली को सरप्राइज देने, और वहाँ का एड्रेस ना हम में से किसी को नहीं पता रहता है सिवाय एक बंदे के, वो कीर्तन के अलावा ना किसी को पता नहीं रहता, और वो ना हमें डायरेक्शन लेके जाता है, और हम बिना गूगल मैप देखे उसके सहारे जाते रहते हैं जाते रहते हैं। और भाई इतना दूर चलते हैं ना, और वो चुपचाप चलते रहता है। नारियल पानी बहुत ज़्यादा भाई, ये रास्ता देख के ये डर गया। देखिए गाइस यहाँ की रोड जर्नी भी ना काफ़ी अजीब है, मतलब भारी भरकम, इतना सारा स्ट्रक्चर्स वगैरह है ना, जो गांव से अगर आएंगे ना पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे। ये रोड का ब्रिज है, मतलब इतना ज़्यादा खर्च।
मतलब बस रोड पार करने के लिए ना इतना बड़ा ब्रिज, मतलब ये एक रेलवे स्टेशन के ओवर ब्रिज जैसा है भाई। यार बहुत गुस्सा आ रहा है यार, इतना सारा झमेला करके घूम फिर के घर यार, मतलब नाक को इधर पकड़ो या पूरा घुमा के पकड़ो, वही सीन है यहाँ दिमाग खराब। इसका स्ट्रक्चर देखिए भाई कितना बड़ा किया गया है, लगता है इतना भीड़ ही नहीं होता इधर, इतना झमेला झमेला करके लेके आया है। छाला दौर मिक्सो कदिल पर। सो गाइस यहाँ पे ना नज़दीक नज़दीक में बहुत सारे मंदिर मंदिर वगैरह होते हैं, तो साउथ इंडियन का एक ये स्पेशल है। पहुँचने के बाद हम काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम जो है हम स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली के साथ, और उसके बाद उन्हें टाटा बाइक कह के निकल जाते हैं। बाय 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 उनके घर जाते हैं ना ये लोग, काफ़ी खुश होते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, और उसके बाद ना वो लोग हमें स्टेशन तक ना छोड़ने भी आते हैं। हर एक घर घर में ना डाटा की पेड़ है जो लंबा लंबा होता है ना डाटा, हर एक घर घर में एक एक का पेड़ है यहाँ पे और एक हर एक जगह पे। पूरा लिफ्ट तो परिवार के सारे लोग ना एक ही लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। यहाँ पे लोकल ट्रेन में भी यहाँ पे देखिए भाई साहब, ये देखो ये लोकल ट्रेन का स्टेशन है, ऐसे समझ में आ रहा है मुझे तो एकदम कंफ्यूजन है, मतलब इतना खर्च हमसे तो ना हो पाएगा। लोकल ट्रेन की चिंता चेन्नई में सब कुछ देख लिया, बस एक चीज मिसिंग था, वो था ये चेन्नई का ये स्टेशन, बड़ा वाला स्टेशन, और ये भी आज देख लिया, ये भी पूरा हो गया गाइस, कंप्लीट चेन्नई होल ट्रिप कंप्लीट। तो गाइस ये है चेन्नई का रेलवे स्टेशन, और ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा यार, यहाँ के हर एक चीज़ ना इतनी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये है वेटिंग हॉल, इतना ज़्यादा अच्छा से रेडी किया गया है यहाँ पे, और पीछे जो रेलवे स्टेशन है इधर भी रेलवे स्टेशन है, वो है एक्सप्रेस ट्रेन के लिए, और ये जो है नॉर्मल लोकल के लिए, और यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। गाइस ये फाउंटेन है यहाँ पे, ये पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, लाइटिंग स्विच सत्तर है तो अंत बहुत बॉन है ये गाइस, ये लिफ्ट वगैरह है गाइस, देखिए ट्रांसपेरेंट लिफ्ट, ये ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर जाएगा। मानना ये है ना कि हम कहीं पे भी जाए ना हमारी एक स्मॉल सी स्टोरी बन जाती है, यादगार स्टोरी बन जाती है। तो ये था हमारा मरीन बीच का सफ़र, मरीन बीच की स्टोरी, होप यू गाइस इंजॉय, और यहाँ पे इमोशंस और जो भी सारे हमने कष्ट झेले स्टोरी लाइन आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।